Hey guys, Satish here. I'm back with another video. Guys, this video is Linux Ubuntu Tutorials for Beginners. Guys, ये video Linux Ubuntu का beginner tutorial है. अगर आप Linux system use करने के बारे में सोच रहे हैं तो Ubuntu आपके लिए best choice है. Ubuntu आपके लिए best choice क्यों है? क्योंकि जो Ubuntu का interface है, अगर आप एक Windows user हैं तो Ubuntu का working interface, graphical user interface, Windows operating system के user interface से match करता है. तो Ubuntu आपके लिए बेस्ट चॉइस है. अभी जो Ubuntu का लेटेस्ट वर्जन है 19.10 Eon Armin है. अभी जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो 19.10 Eon Armin यूज़ कर रहा हूँ. तो इस वीडियो में मैं उसी सिस्टम के बारे में ओवरव्यू करूँगा 19.10 के बारे में और इसके अंदर सेटिंग्स, एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करते हैं, जो इसका इंटरफेस वगैरह है, सारी चीज़ें ये आपको मैं बताऊँगा. तो सबसे पहले क्या करना है हमको, आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये आपको ubuntu.com वेबसाइट पे जाना है और डाउनलोड बटन पे आप क्लिक करोगे तो Ubuntu डेस्कटॉप, उसके नीचे आपको 18.04, अगर आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन यूज़ करना है तो आप इस वाले लिंक पे क्लिक करोगे, और लेटेस्ट वर्जन आपको यूज़ करना है 19.10 तो आप इस लिंक पे क्लिक करोगे. इस लिंक पे, इन दोनों लिंक्स पे क्लिक करोगे किसी पे भी तो ISO फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी. एंड मैं आपको गाइज रेकमेंड करूँगा कि पहले आप इसको वर्चुअल बॉक्स में यूज़ कीजिए. वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करने के लिए virtualbox.org पे जाओगे, यहाँ से वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करोगे एंड ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप वर्चुअल बॉक्स के अंदर यूज़ करोगे. वर्चुअल बॉक्स की मदद से आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो बिना अपने प्राइमरी सिस्टम को मैसअप किए बिना. ठीक है, तो इसके अंदर यूज़ कर लो और जैसे ही आप इसको यूज़ टू हो जाओगे देन इसको आप प्राइमरी सिस्टम लिनक्स Ubuntu का बना सकते हो. ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ. जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको जो स्क्रीन आएगी, सबसे पहली स्क्रीन ये होगी. ठीक है, यहाँ आपको दिखेगा, यहाँ आपको टाइम दिखेगा एंड यहाँ आपको कुछ ये आइकन्स दिख रहे होंगे, ये वाईफाई का आइकन, ये वॉल्यूम का और ये बैटरी का. ठीक है, और यहाँ से जिस नेटवर्क से मैं कनेक्टेड हूँ वो नेटवर्क SK वेब स्टूडियो, एंड कोई और नेटवर्क सेलेक्ट करना है आपको तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके किसी और वाईफाई से, अगर आपको पासवर्ड पता है तो यहाँ से आप क्लिक करके कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है, एंड यहाँ से बैटरी, पावर सेटिंग और ये अकाउंट, और यहाँ से आपकी मेन सेटिंग आपको खुलती है. यहाँ से आप लॉक कर सकते हो, यहाँ से शट डाउन कर सकते हो. और अगर आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हो तो यहाँ से आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो. शो डेस्कटॉप फाइल पे क्लिक करते हो तो आपको डेस्कटॉप की फाइल्स शो होंगी, अलग फोल्डर्स के अंदर आपको ये खुलेगी जो भी डेस्कटॉप के अंदर फाइल्स हैं. ठीक है, और यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, जो भी बैकग्राउंड आपको चाहिए आप उसको चेंज कर सकते हो. सपोज़ मैं ये बैकग्राउंड है तो इसे सेट बैकग्राउंड करता हूँ तो बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा. इसको मैं क्लोज कर देता हूँ. और जो हमारी डिस्प्ले सेटिंग और जो मेन सेटिंग होती है हमारी, ये होती है मेन सेटिंग, यहाँ से खुलती है. वाईफाई की सेटिंग कर सकते हो, ब्लूटूथ की सेटिंग कर सकते हो, बैकग्राउंड जो कि अभी हमने बैकग्राउंड चेंज किया, डॉक, ये जो एरिया होता है ये हमारा, ये डॉक बोलते हैं इसको विंडोज़ के अंदर, ये टास्क बार कहते हैं इसको. तो इसको ऑटो हाइड, सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो हाइड द डॉक, इस पे से अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटो हाइड अब नहीं होगा. ठीक है, और जो आपकी इंस्टॉल एप्लीकेशन का साइज़ आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो या डिक्रीज़ कर सकते हो. डॉक की पोजीशन सेट कर सकते हो, बॉटम लेफ़्ट में रखनी है आप लेफ़्ट में रख सकते हो, राइट में रखना है तो आप राइट में रख सकते हो, या अगर आप बॉटम में रखना चाहते हो तो बॉटम में रख सकते हो. यहाँ से नोटिफिकेशन की सेटिंग्स कर सकते हो आप, जिस अभी सारे एप्लीकेशंस की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली ऑन रहती हैं. प्राइवेसी पे क्लिक करोगे तो आप स्क्रीन लॉक लगा सकते हो, लोकेशन सर्विसेज को ऑन कर सकते हो, यूसेज एंड हिस्ट्री, और पर्ज ट्रैश एंड टेम्प्रेरी फाइल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ आप सेट कर सकते हो कि ये ऑटोमेटिकली सिस्टम आपकी जो ट्रैश के अंदर जितनी भी फाइलें होंगी, जो विंडोज़ के अंदर रिसाइकिल बिन कहते हैं जिसको, तो ये क्लीन कर देगा, और ऑटोमेटिकली पर्ज टेम्प्रेरी फाइल, और यहाँ आप डेज सेट कर सकते हो कितने दिनों के बाद ये सिस्टम ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिक
आपकी फाइल डिलीट कर देगा, जो भी आपकी ट्रैश फाइल्स हैं और टेम्परेरी फाइल जिनका कोई यूज़ नहीं होता है, ठीक है। या आप मैनुअली यहाँ से करके एम्प्टी ट्रैश पर्स टेम्परेरी फाइल यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आपकी सारी एप्लीकेशंस आपको दिख जाएंगी, एप्लीकेशन की नोटिफिकेशंस, ठीक है। ये सारी एप्लीकेशन आ गई तो, और शेयरिंग साउंड, साउंड पे क्लिक करोगे तो आपका जो सिस्टम का वॉल्यूम है यहाँ से आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो, वॉल्यूम लेवल्स को इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हो। और यहाँ से आप माइक्रोफोन का साउंड एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप बोलोगे कोई सर्च करते हो आप, जैसे कि आप गूगल क्रोम पे सर्च करते हो तो आप इसको बढ़ा दोगे तो आप जो भी बोलोगे साउंड को अच्छे से कैच करेगा। पावर सेटिंग कर सकते हो आप, जो ये सारी जो सेटिंग है आप इसको समझिए जो विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है वो है आपका ये सेटिंग्स टैब। और डिवाइसेस पे क्लिक करोगे अगर आप तो ये सबसे पहला जो ऑप्शन है डिस्प्ले डिसओरिएंटेशन, अभी लैंडस्केप मोड के अंदर है, आप इसको पोर्ट्रेट राइट पोर्ट्रेट लेफ्ट और ये कर सकते हो आप। कीबोर्ड शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, कीबोर्ड शॉर्टकट पे क्लिक करोगे तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कीबोर्ड शॉर्टकट सेट कर सकते हो। जैसे विंडोज़ के अंदर होता है, हम विंडोज़ और डी प्रेस करते हैं तो डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, विंडो और ई की प्रेस करते हैं तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है, तो सेम चीज़ आप यहाँ भी सेट कर सकते हो। जो हमारा लिनक्स के अंदर जो होता है, हमारा विंडोज़ के अंदर जिसको हम विंडो की बोलते हैं, लिनक्स के अंदर उसको हम सुपर की बोलते हैं, ठीक है। माउस एंड टच पैड की सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हो आप, माउस की स्पीड टच पैड की सेटिंग यहाँ से आप सेट कर सकते हो। आपको प्राइमरी बटन कौन सा रखना है, नॉर्मली लेफ्ट होता है तो लेफ्ट आपको रखना है। प्रिंटर रिमूवेबल मीडिया थंडरबोल्ट कलर, यहाँ से आप कलर लैपटॉप की स्क्रीन और ये सारी ये सेटिंग है कलर की, ठीक है। और डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम की डिटेल्स आपको दिखेंगी, डेट एंड टाइम, यूज़र्स और डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन। यहाँ आप डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन सेट कर सकते हो कि वेब के लिए आपको कौन सी एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट रखनी है, मैंने गूगल क्रोम सेट कर रखी है। मेल के लिए कौन सा आपको थंडरबर्ड मेल, और कैलेंडर के लिए टेक्स्ट एडिटर, म्यूज़िक के लिए VLC मीडिया प्लेयर और वीडियो के लिए VLC मीडिया प्लेयर मैंने सेट कर रखा है, फ़ोटोज़ के लिए इमेज व्यूअर। तो ये आपका कंट्रोल पैनल है, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और गाइस अगर आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे, उसके लिए Ubuntu सॉफ्टवेयर सेंटर होता है, इस पर क्लिक करोगे आप तो यहाँ बहुत सारी एप्लीकेशन रहती हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल होती हैं। इसके अंदर कैटेगरीज हैं, ऑडियो वीडियो की कैटेगरीज़ की आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो इस लिंक पे क्लिक करोगे आप, ठीक है। तो जितनी भी ऑडियो वीडियो की कैटेगरी की जितनी भी एप्लीकेशन है वो यहाँ शो हो जाएंगी। रेटिंग्स आप चेक कर सकते हो, रेटिंग्स के अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हो, कमेंट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे मैं LMMS पे क्लिक करता हूँ तो आपको इसके बारे में दिख जाएगा, और ये सोर्स इसका क्या है आप यहाँ से सोर्स भी देख सकते हो कि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है या Ubuntu का ये Ubuntu ईओन यूनिवर्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये एप्लीकेशन मिल रही है, यहाँ से कमेंट्स आप देख सकते हो, इट इज़ द बेस्ट लिनक्स म्यूजिक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ से कमेंट पढ़ के आप जो भी एप्लीकेशन है इंस्टॉल कर सकते हो, रेटिंग्स चेक कर सकते हो इसकी। और मैं बैक जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। कम्युनिकेशन एंड न्यूज़ की टाइप की एप्लीकेशन चाहिए तो आप इस टैब पे क्लिक करोगे। प्रोडक्टिविटी एडऑन्स ग्राफिक्स एंड फोटोग्राफी गेम्स, तो यहाँ से काफ़ी सारी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो और यहाँ से सर्च भी कर सकते हो आप कोई भी। जैसे मैं सपोज VLC में यहाँ टाइप करता हूँ तो ये सर्च हो रहा है, देख सकते हो। तो ये देखिए VLC आ गया, ठीक है। अल्टीमेट मीडिया प्लेयर है, इसको मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। ये स्नैप स्टोर है, इसका जो सोर्स है स्नैप स्टोर, तो यहाँ से भी मतलब आप Ubuntu सॉफ्टवेयर के अंदर भी स्नैप स्टोर के अंदर की भी एप्लीकेशन होती है और बहुत सारे सोर्स होते हैं। इसको पैकेज मैनेजर होता है, वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो आप, टर्मिनल से भी इंस्टॉल कर सकते हो एप्लीकेशंस को।
और जो यहाँ से जो एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड होती हैं उनको अगर रिमूव करना है आपको, तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो एप्लीकेशंस को। और जो एप्लीकेशन रिमूव होने वाली होंगी उन पे रिमूव का ऑप्शन आएगा, बट जो सिस्टम की एप्लीकेशंस होंगी वो आप रिमूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, अपडेट्स पे क्लिक करोगे तो अगर सिस्टम में कोई अपडेट्स की ज़रूरत होगी तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। तो मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको अभी। और गाइज अगर यहाँ पर आप शो एप्लीकेशंस पे क्लिक करते हो तो जो भी एप्लीकेशंस आपकी इंस्टॉल्ड होती हैं वो यहाँ आपको मिल जाएंगी। कोई भी एप्लीकेशन आप सर्च कर सकते हो, VLC, VLC मीडिया प्लेयर, ठीक है, और आप बैक जा सकते हो सपोज जैसे। और ये जो डॉक बार है हमारा, ये डॉक, इस पे किसी भी एप्लीकेशन को हमको ऐड करना है, जैसे कि हम ज़्यादा जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं उसको हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू फेवरेट, फेवरेट्स पे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन यहाँ ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसको रिमूव करना है तो हम रिमूव फ्रॉम फेवरेट्स कर सकते हैं, तो ये रिमूव हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, और ये काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है ऑलरेडी आपको मिलती हैं इसके अंदर, और एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। और भी बहुत तरीके होते हैं डाउनलोड करने के लिए, आप यहाँ टर्मिनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशंस को। आपको पता होना चाहिए कि उसको कैसे डाउनलोड करते हैं, राइट गाइस। और मैं आपको और दिखाता हूँ, फाइल एक्सप्लोरर दिखाता हूँ इसका। ये होता है हमारा फाइल एक्सप्लोरर, ये रिसेंट स्टार्ड, होम, ये हमारा होम फोल्डर होता है, जो भी हमारा यूज़र का होम फोल्डर होता है। ये मेरा होम फोल्डर है, जैसे कि आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, कुछ ऑप्शंस यहाँ दिख रहे हैं जैसे कि विंडोज़ के अंदर फाइल एडिट मेन्यू, ये सब चीज़ होती है। और इसके अंदर मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर हिडन फाइल्स आप कैसे देख सकते हो। यहाँ क्लिक करोगे आप, शो हिडन फाइल्स पे क्लिक करोगे तो हिडन फाइल्स आपको यहाँ दिख जाएंगी, जितनी भी जो उबंटू लिनक्स के अंदर हिडन फाइल की जो स्टार्टिंग होती है वो डॉट से होती है, डॉट एडोब, डॉट एंड्रॉयड। ठीक है, और इसको अनहाइड भी कर सकते हो दोबारा से, इसको सॉरी हाइड कर सकते हो आप, ऐसे क्लिक हटा सकते हो। और एक और शॉर्टकट है, कंट्रोल और एच की आप प्रेस करोगे कीबोर्ड से तो ये जो हिडन फाइल्स है उसको शो शो कर रहेगा ये, और दोबारा से कंट्रोल और एच प्रेस करोगे तो दोबारा से फाइल्स हाइड हो जाएंगी। राइट क्लिक करके आप न्यू फोल्डर बना सकते हो, फोल्डर का नाम दोगे, जैसे कि मैं सैम्पल यहाँ टाइप कर देता हूँ और एंटर मारता हूँ तो न्यू फोल्डर्स बन जाता है, न्यू फोल्डर बन जाता है। इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, शिफ्ट डिलीट से परमानेंट डिलीट होता है, और नॉर्मल डिलीट से, जैसे मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ टैम्प के नाम से और इसको डिलीट करूँगा तो ये ट्रैश के अंदर हमारा ये पहुँच जाता है। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप एम्प्टी कर सकते हो इसको, एम्प्टी ट्रैश। और ये डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे मेरा एक डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है, डॉक्यूमेंट्स, और ये डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियोस, ट्रैश। ठीक है, तो गाइज ये इंटरफेस है इसका, काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है। विंडोज़, अगर आप विंडोज़ यूज़ करके उबंटू यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट पहले इसको आप वर्चुअल बॉक्स के अंदर यूज़ करोगे। हालांकि वर्चुअल बॉक्स अगर आपकी जो भी आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो या लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, वर्चुअल बॉक्स में थोड़ा सा लैगिंग कभी कभी ऐसा होती है। अगर आपका सिस्टम हाई एंड नहीं है, सिस्टम की जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन वो ज़्यादा हाई एंड नहीं है, तो थोड़ा बहुत लैग करता है, बट आप इसको चेक कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, आपके लिए कंपेटिबल है कि नहीं। बहुत अच्छा सिस्टम होता है। और आपको एक चीज़ मैंने नहीं बताई, इसके अंदर आपको कोई भी एंटीवायरस नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें वायरस नहीं आता लिनक्स सिस्टम के अंदर मोस्टली, तो ये काफ़ी सिक्योर होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा इसका जो फीचर होता है, इसके अंदर आपको किसी भी एंटीवायरस को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती लिनक्स के अंदर। बट विंडोज़ के अंदर आप अगर इंटरनेट यूज़ करो तो आपको बहुत ही ज़्यादा मस्ट है वो। ठीक है, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ से भी आप एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हो। कोई भी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है तो आप ब्राउज़र पे जाओगे, उसके बारे में जो भी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है यहाँ से भी मिल जाएगा। जो डॉट डेब की नाम के फाइल की होती हैं, जैसे कि
एटम मैं सर्च करता हूँ, एटम टेक्स्ट एडिटर, और ये जो लिंक आया है इस पर क्लिक करूँगा मैं। तो यहाँ से भी क्लिक करके, जैसे कि ये इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि जो मेरा सिस्टम है वो लिनक्स है, तो इस पर डायरेक्ट अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट मेरी डाउनलोड होके यहाँ Ubuntu सॉफ्टवेयर सेंटर के अंदर चली जाएगी, और वहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ, क्योंकि ये डेबियन बेस होता है, Ubuntu सिस्टम डेबियन बेस है। तो .deb की जो भी फाइल आप .deb एक्सटेंशन की जो भी फाइल आप डाउनलोड करोगे वो सीधे आपकी Ubuntu सॉफ्टवेयर सेंटर में खुलेगी, और देन वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो अपना पासवर्ड डाल के, राइट। तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी टेक्स्ट एडिटर है, VS कोड यूज़ करता हूँ मैं टेक्स्ट एडिटर, राइट। और गाइस Ubuntu को लेके कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो Ubuntu के फोरम्स होते हैं, आस्क Ubuntu टाइप करोगे आप तो आपकी जो भी कोई भी आपका कोई क्वेश्चन होता है आप इसके अंदर पूछ सकते हो, गूगल पे पूछ सकते हो आप। तो इसके अंदर जो भी मोस्ट प्रोबेबली कि जो भी आप क्वेश्चन का आंसर चाहते हो वो ऑलरेडी यहाँ पर किसी पर्सन ने पूछा होगा, तो उसका भी आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप Ubuntu को लेके कोई भी हेल्प चाहते हो तो आप यहाँ से पूछ सकते हो, राइट गाइस। सो गाइस मैंने कुछ ओवरव्यू Ubuntu 19.10 का, या मैं कह सकता हूँ कि Ubuntu का ओवरव्यू किया, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर इस वीडियो को लेके कोई भी आपको डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो लिनक्स की कमांड के ऊपर बनाऊंगा, इसके अंदर मैं आपको कमांड्स बताऊंगा डिफरेंट, और कैसे आप इसके अंदर और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो, और डिफरेंट जो बेसिक्स कमांड होती हैं उसका मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। अगर आप मेरे अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्थी स्टे फिट कीप लर्निंग एंड गुड बाय।